प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, ग्रंथपालों, क्रीड़ा अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी में एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें मूलभूत 12 मांगों के निराकरण की मांग की। इस मौके पर प्रांतीय शासकीय महाविद्यालय में प्राध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश त्यागी ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग में वर्ष 1990 के बाद भर्ती नियमों में समग्र रूप से परिवर्तन नहीं किया गया। वहीं 2009 के पश्चात प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई। ऐसी करीब 12 सूत्रीय मांगें लंबित है, जिसका अब तक निराकरण नहीं हुआ है, जिससे शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। संघ के महासचिव आनंद शर्मा ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग की लचर प्रणाली और टालू रवैये के कारण हजारों महाविद्यालयीन शिक्षकों का करियर बर्बाद हो चुका है। सर, आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्या कुछ कारण है, क्या मांगे हैं? एक्चुअल हमारा 12 सूत्री मांगे हैं हमारी, और वो सब जायज मांगे हैं। परीक्षा समाप्ति से लेके जो सेवानिवृत्ति के ऊपर जो हमें अर्जित अवकाश मिलता है, उसका नकदीकरण नहीं हो रहा। आज हर वर्ग परेशान है उच्च शिक्षा का, चाहे वो प्रवेशार्थी हो, चाहे वो सेवानिवृत्त हो। प्रमोशन हमारे हो नहीं रहे, AGP प्राध्यापकों को दी नहीं जा रही, जो करियर एडवांसमेंट स्कीम होते हैं वो लागू नहीं की जा रही, और ऐसा 2-4 दिन से नहीं हो रहा, ऐसा लगभग 1 दशक 2 दशक 3 दशक ऐसी स्थिति आ रही है। बार बार हम अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी लोग उसके ऊपर जो भी हो, अधिकारी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं तो विभाग हमारी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेता। तो हम लोग क्योंकि प्रथम श्रेणी अधिकारी हैं, तो एक आचरणपूर्ण तरीके से है ना, एक डेकोरम के साथ अपनी मांग का शासन की तरफ ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि हमारी समस्याएं शासन तक पहुंचे और उसका निराकरण हो सके। बता रहे कई समय हो गया आपकी मांगे पूरी नहीं हुई है, आज आप लोग सांकेतिक धरने पे बैठे, आगे क्या कदम उठाएंगे यदि अपनी मांग? इसके आगे भी अगर यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम और उग्र आंदोलन की रणनीति विचार करेंगे। संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी 12 सूत्रीय मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।